ऐसी कुछ मम्मी लग रही हैं और ऐसे कुछ पापा लग रहे हैं। भाइयों अभी हमने सारा कुछ सामान ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं वो लग गए हैं। नाक पे तो इन्होंने यहीं से ही पहन लिया देखो। यो फिलहाल हम आ चुके हैं, एक तो हमें यार अपने पूर्वजों के कपड़े लेने हैं और मैं और पुम्पू आए हुए हैं छत पे अपनी फुटबॉल लेके खेलने के लिए, कुछ सामान लेने जैसे कि आज करवा चौथ है। सोने हमने फिलहाल सोने का सामान तो ले लिया है, यो फिलहाल हमने सारा कुछ सामान तो ले लिया है, बाकी जूते चप्पल वगैरह रह गए थे वो भी लेते हैं, फिर बस करवा लेना रह गया था वो हम ले रहे हैं। बाकी और तो सब भाई चूड़ी रह गई थी मम्मी के लिए, तो चूड़ी अभी मम्मी ले रही हैं। फिर भैया मम्मी हो गई हैं तैयार, अभी मम्मी कर रही हैं पूजा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, तो करता हूँ आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही होगे। तो भाई फिलहाल मैं और पुम्पू आए हुए हैं छत पे अपनी फुटबॉल लेके खेलने के लिए, तो फिर यार हम खेल रहे थे तो क्या हुआ, ये जो काई है ना आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, इस पे मैं और पुम्पू के पैर ऐसे रिपट रहे थे ना बहुत बुरी तरीके से। और बाकी यार मम्मी वगैरह भी, मतलब मम्मी भी आती हैं कपड़े सुखाने, पौधों में पानी देने, तो इनका पैर अगर रिपट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने वो फावला दिख रहा है वहाँ पर रखा हुआ, उससे सारी काई जो है वो ऐसे खुरच दी है। अब भी बहुत ज़्यादा काई है, मतलब अब भी बहुत ज़्यादा काई है, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी छत पे काई ही काई है, खेल भी नहीं सकते। और ऊपर से मम्मी ने रस्सियाँ और बांध दी छत पे, ये और रास्ता ब्लॉक कर देती है। बात देखो इस काई से हमारी नई फुटबॉल भी कितनी गंदी हो गई है, देख रहे हो। बाकी हाँ आज मौसम बड़ा अच्छा है, वो देखो सूरज देवता वहाँ से उधर पीछे लेते हैं थोड़ा सा तो दिख गए। हाँ तो सूरज देवता चमक रहे हैं, बाकी हम भी नहा धो के रेडी हो जाते हैं। फिर आज तो मम्मी करवा चौथ भी, आज तो मम्मी को बहुत सारा सामान भी लेके आना है, है मम्मी तो हाँ भाई चलो यार अभी पहले इसको समेटते हैं, फिर मैं और पुम्पू थोड़ा खेलेंगे फिर जाएंगे नीचे। फिलहाल मैं नहा धो के तैयार तो हो गया हूँ, तो फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने जैसे कि आज करवा चौथ है सोने का, और फिर यार स्कूटी के ब्रेक भी सही करवा सकते हैं। हमने फिलहाल सोने का सामान तो ले लिया है, नाक पे तो इन्होंने यहीं से ही पहन लिया देखो, बाकी मैं घर जाके दिखाऊंगा। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं बाजार। अभी बाजार जा रहे हैं कुछ और चीज़ें लेने के लिए, तो चलो यार जल्दी से चलते हैं। यो फिलहाल हम आ चुके हैं, एक तो हमें यार अपने पूर्वजों के कपड़े लेने हैं, और फिर जैसे कुछ होता है और दूसरा भी कुछ होता है, बुआ जी वुआ जी को सामान जाते हैं उससे भी हमने, मतलब वो भी लेना है, तो इस दुकान पर आए हैं हम, यहीं से ही लेते हैं हर बार ये सब चीज़ें, बेड की चद्दर वद्दर सब यहीं से ही लेते हैं। तो चलो यार, वैसे मैं पापा से कह रहा था कि यार स्कूटी के जो दोनों ब्रेक हैं ना वो बहुत ही कम लग रहे हैं, तो देखते हैं यार उसके ब्रेक शू बदलवाएंगे या नहीं। भाइयों अभी हमने सारा कुछ सामान ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं वो लग गए हैं, बाकी इन्हीं दुकान इसी दुकान से हम लेते हैं सारा सामान। तो हाँ अच्छा सामान है, कुछ इतना सामान लिया है, ये बिल है मेरे हाथों में। तो हाँ ये फिलहाल हमने सारा कुछ सामान तो ले लिया है, बाकी जूते चप्पल वगैरह रह गए थे वो भी लेते हैं, फिर यार मैं अपनी स्कूटी के ब्रेक से ही करवाऊँगा, अभी तो है मेरे पास एक घंटा उसमें हो जाएंगे, तो हाँ यार ब्रेक सही करवानी ज़रूरी है। तो अभी हमने सारा कुछ सामान तो ले लिया है, बस करवा लेना रह गया था वो हम ले रहे हैं, बाकी और तो सब ले लिया है पापा। पापा देखो बोल नहीं रहे हैं। तो भाई हाँ बाकी सब ले लिया है, बस ब्रेक ब्रेक रह गए हैं वो मैं करवा लूँगा। हाँ तो अभी हमने फिलहाल सारा सामान तो ले लिया है, लेकिन भाई चूड़ी रह गई थी मम्मी के लिए, तो चूड़ी अभी मम्मी ले रही है, फिर भैया को निकलना है वहाँ पे कहीं दूर निकलना है कुछ काम से, तो उनकी भी तैयारी करनी है, बाकी पापा ड्यूटी जाएंगे तो उसका भी सामान करना है, तो हाँ इसलिए जल्दी थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना ये सब अच्छा रहेगा। फिर दूध लेने के लिए तो आज मैं जाऊँगा, क्योंकि यार अगर पापा मेरे साथ जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, फिर पापा की ड्यूटी जाना पड़ता है, तो अंधेरे में यार लाइट सामने की आँखों में लगती है वो सही नहीं रहता। यो अभी हम घर तो आ गए हैं, दूध लेके भी आ गए हैं और मम्मी हो गई हैं तैयार, अभी मम्मी कर रही हैं पूजा। और फिलहाल यार मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि जिम नहीं छोड़ना, जिम इज़ इम्पोर्टेंट, बाकी मंदिर वंदिर की सब पूजा हो गई है, तो हाँ चलो पहले जिम चलते हैं। तो भाइयों अभी देखो ऐसी कुछ मम्मी लग रही हैं और ऐसे कुछ पापा लग रहे हैं, पापा ने पेट अंदर को कर लिया और ये लेटे हुए हैं देखो।
और पोम्पू देखो, इसने अभी पूजा के सामान छेड़ के आया है। तो भाई यार चलो मैं चलता हूँ जिम, बाकी आपको मिलता हूँ मैं जिम में। सो हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे भाई। और यार अभी मैं ट्यूशन से आ गया हूँ, मतलब स्कूल से आ गया था, ट्यूशन से भी आ गया हूँ। तो हाँ यार, अब मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला है। सुबह तो टाइम मिलता नहीं है। बाकी पोम्पू देखो कैसे सोया पड़ा है, और हमें सबको गुस्सा करने लगा है भाई अभी, ये पता नहीं। हाँ मम्मी कैसे गुस्सा करे पोम्पू हमारे पे बहुत ही गुस्सा कर, अब तो मम्मी पे भी गुस्सा करता है, मुझ पे भी, बस पापा पे नहीं करता। पापा को पता नहीं क्यों नहीं करता, उन्हें तो जैसे पापा से डांटेंगे ना तो ऐसे हाथ वाथ चाटने लगता है, पापा के प्यार करने लगता है तुरंत ही से। बहुत चालाक बच्चा है, ऐसे सब पता है ना मम्मी। तो मम्मी मेरी साइकिल भी तो मेरी साइकिल भी तो सही होनी थी है। तो फिर मैं मंडे को भी बाइक से ही स्कूल जाऊंगा। तो आज भाई मम्मी मुझे बाइक से स्कूल नहीं जाने दे रही थी। वैसे तो मैं स्कूटी से जा रहा था ना 2-3 दिन से, तो आज मैं बाइक लेके चला गया था, तो इन्होंने मना कर दिया। आज बहुत ही वो किया है इन्होंने, गुस्सा करके बाइक से जाने दिया है मुझे। देख रहे हो अब इसके कान, और अब इसके हाथ लगा दूंगा ना तो काट लेगा। हाँ ये तो नवाब जादे हैं। पोप नहीं, देखो कान कान कितने बड़े हैं, इतना बड़ा इसका चेहरा नहीं है, ऊपर ही रखी है। तो भाई उस दिन हम खेल रहे थे ना, तो मैंने ऊपर ही रखी थी। नहीं जिन्ने में रख रखी वैसे तो। देखो भाई मम्मी के हाथ कुछ ऐसे, अरे मम्मी की मेहंदी तो देखी नहीं आपने, मेहंदी देख लो ये देखो, और ये मम्मी ने अंगूठी लाई है, मम्मी अंगूठी दिखाई है, ये देखो चांदी की। उस दिन क्या पीछे दिखाई, पीछे ये देखो लग रही है ना छतरी कमेंट में बताना चलो भाई, छतरी लग रही है कि नहीं लग रही। मुझे क्या पता आपने पहन रखी, हाँ इसमें छोटा साइज होता। तो भाइयों आप कमेंट में बताना, बाकी पोम्पू के लिए भी हम बीच में लाने की सोच रहे हैं। भाई एक दिन मैं सोच रहा था पोम्पू के जो पंजे के नाखून है ना उस पे नेल पेंट लगा देता हूँ रेड कलर की पर भाई इसी जानवर है, तकलीफ हो जाएगी इसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मम्मी आप बताओ ऐसा करना चाहिए, पर ये मेहंदी नहीं लगाने देता। देखो बिंदी लगा लेता है माथे पे, लेकिन मेहंदी नहीं लगवाता, पता नहीं इसे क्या है ऐसा। तो भाइयों अभी हम दूध वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं, और अभी बच चुके हैं भाई देखो रात के 10, और अभी मम्मी कर रही है सर में मालिश गोले के तेल से। तो हाँ यार अभी हम बस सोने वाले हैं, बस हम ना देसी गेमर्स का ब्लॉग देख रहे हैं, बस इसे देखते ही सो जाएंगे। बाकी यार कल 4 या 4:30 बजे के बीच में मेरे भैया आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, कहाँ से, लखनऊ से। तो हाँ उन्हें लेके आ सकता हूँ मैं शायद बाइक से, तो सुबह का भी व्लॉग बनाऊंगा। हाँ तो देखते हैं कैसा रहने वाला है, लेकिन वो अगले व्लॉग में होगा, तो उसे आप देखना अगले व्लॉग में। बाकी यार आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको लग रहा होगा कि एक ही ब्लॉग है, लेकिन ये 2 दिन का ब्लॉग है। हम पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरे से 1 दिन का ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा, मैं 2 दिन का ब्लॉग 1 दिन डाल रहा हूँ, जिससे कि यार
मैं रोज व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी मैं वादा करता हूँ कि कल से रेगुलर व्लॉग आएंगे। तो अगर आपके व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगा हो तो इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई बच्चा रो रहा है कोई बाहर सामने, तो उसे माइंड मत करना। तो हाँ।